स्टील मिल रिवाइव हो सकता है कि नहीं, ये एक सिंपल सवाल है। और इस पे यहाँ पे एक टेक्निकल सेशन दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में हुआ। हमारे साथ वजाहत साहब मौजूद हैं और मज़ेदार बात यह है कि वजाहत साहब का पॉलिटिक्स के साथ ताल्लुक के साथ साथ पुराने स्टूडेंट हैं दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज के, जब कॉलेज हुआ करता था। यही सवाल हम वजाहत साहब से पूछे। वजाहत साहब, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये हमारी विश है कि पाकिस्तान स्टील मिल रिवाइव हो या वाकई हो सकता है, क्योंकि ज़रूरत हो स्टील मिल की, दैट इज़ नॉट इनफ। लेकिन पहली चीज़ तो ये कि मार्केट है, मार्केट अगर है तो चीज़ रिवाइव हो सकती है। जब नई लग सकती है तो पुरानी भी रिवाइव हो सकती है। इसका मसला ये है कि फाइनेंशियल पैकेज कैसे बनेगा और इसका ट्रांसफ़र कैसे होगा किसी को भी जो होना है। तो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें HR का प्रॉब्लम है सबसे पहले, लोगों का जो उसको चलाने वाले हैं, क्योंकि ख़त्म भी चलाने वालों ने की होगी ना, खुद से तो नहीं ख़त्म हो जाता कोई प्लांट। दूसरा इसका प्रॉब्लम यह है कि इसमें अब इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा किसी के थ्रू। तो अब सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये बात तय करनी पड़ेगी कि इसकी जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको अपग्रेड किया जाए पहले, क्योंकि लोग मौजूद हैं पाकिस्तान में। इस वक्त मुगल स्टील चल रही है, अमराली स्टील चल रही है और इस तरह बताशा स्टील चल रही हैं और बड़ी प्रॉफिटेबल चल रही हैं, और उनकी ग्रोथ मेरे ख्याल है पिछले 4 से 5 साल में दुगनी या तिगनी हुई है। तो ये स्टील मिल की भी ग्रोथ तिगनी हो सकती है, और ये तो ज़मीन भी मौजूद है, बिल्डिंग भी मौजूद है, इक्विपमेंट भी तकरीबन मौजूद है। हाँ, जाहिर है कुछ इक्विपमेंट बहुत पुराना हो गया है, कुछ इक्विपमेंट आउटडेटेड हो गया है, कुछ इक्विपमेंट के स्पेयर्स नहीं हैं, कुछ इक्विपमेंट अब क्योंकि गैस बंद हो गई, डेट में चली गई और इतने ज़्यादा डेट में चली गई कि पहले लाइबिलिटी किसी को कहीं पार्क करनी पड़ेगी, उस लाइबिलिटी फ्री करके फिर इसे किसी के हवाले करना पड़ेगा एक नेट प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर। तो पॉसिबल तो हर चीज़ें, डिफरेंट मॉडल्स हैं। इंजीनियर्स अगर इन्वॉल्व होंगे और साथ में फाइनेंशियल्स, एक आध कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक दो वकील लीगली, तो ये सारे, और एक HR का बंदा कोई अच्छा, तो वो अगर ये 4-5 लोगों की एक टीम बन जाए इंजीनियर्स की और सिंसियरली उनको टास्क दिया जाए कि इसकी मोस्ट पॉसिबल जो बेस्ट पॉसिबल जो फिजिबिलिटी है वो कर लें, तो विद इन 3 मंथ्स पीपल विल कम विद द सोल्यूशन। हाँ नहीं, धोने को क्या चीज़ नहीं हो सकती। आप कह रहे हैं स्टील मिल ठीक हो, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि ये इंजीनियरिंग फेलियर है, इंजीनियरिंग फेलियर है या नहीं हो सकती, इंजीनियरिंग फेलियर है या मैनेजमेंट का फेलियर। ये मैनेजमेंट का फेलियर और पॉलिटिकल फेलियर, इट्स अ मोर पॉलिटिकल फेलियर देन मैनेजमेंट फेलियर। क्या ये सही है कि जिन स्टील यूनिट्स की बात कर रहे हैं, जो अपनी प्रोडक्शन बड़े पैमाने पे बढ़ा रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं, वही वजह है स्टील मिल के डिवाइस? किसी की तरक्की से किसी की कोई कमी नहीं होती। ये गलत तासुर है कि हमने हसद तासुब, ये गलत फहमी पैदा करना कि फलां तरक्की कर रहा है। भाई हमें वेल्थ एक्युमुलेशन करनी है, हमें हर 50 मिलें चाहिए। अभी भी अगर ये स्टील मिल 3.3 हो जाए फिर भी आपको और स्टील मिल चाहिए। आप क्या समझ रहे हैं, आपकी ज़रूरत पूरी हो जाती है सर्विस स्टील? तो इसलिए वो अगर ना कर रही होती तो इस वक्त हम स्टील इम्पोर्ट कर रहे होते। वो तो उनकी मेहरबानी है कि वो बढ़ गई हैं ताकि थोड़ी बहुत स्टील हमें मिल रही है। तो मेरा कहने का मकसद है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई नहीं परफॉर्म करेगा तो आउट हो जाएगा मार्केट। ओपन मार्केट जो है, कम्पिटिटिव मार्केट का असूल ये है कि आप परफॉर्म नहीं करेंगे आउट हो जाएंगे, परफॉर्म करेंगे आप रहेंगे उसके अंदर। तो उन लोगों ने परफॉर्म किया, हम स्टील मिल ने नहीं किया, और वो पॉलिटिकली रीजंस हैं। मैनेजमेंट की भी इतनी रीजंस नहीं है, इंजीनियरिंग की भी नहीं है। वहाँ बहुत अच्छे इंजीनियर्स थे, मैं खुद उस स्टील मिल के डायरेक्टर पर रहा हूँ, और उस ज़माने में स्टील मिल बहुत प्रॉफिटेबल थी, प्राइवेटाइज हो रही थी, दुनिया इसको पे नज़र रखे हुए थी कि इसके पैसे भी दे रही थी, इन्वेस्टमेंट करने को भी तैयार थी 1.2। तो कोई अच्छी चीज़ हो गई। CPEC के साथ शामिल करना चाहिए इसे। देखिए ये आइसोलेशन में कोई चीज़ डिस्कस नहीं हो सकती। CPEC कि आप लोगों ने CPEC को ऐसा समझ लिया है कि जैसे जो है ना हर मर्ज़ की दवा, एक पीर साहब होते हैं ना कि वहाँ जाते हैं आप तावीज़ लेके आते हैं, तो ये तावीज़ थोड़ी है CPEC यार। CPEC एक मंसूबा है, उसके अंदर कोई चीज़ हमने कहा जी मेरा खाना नहीं मिल रहा, आप CPEC के तहत हम खाना खा सकते हैं, हमें कंबल नहीं मिल रहा, हम CPEC के तरफ कंबल ले सकते हैं, ये थोड़ी है यार। CPEC इज अ एग्रीड एग्रीमेंट बिटवीन टू न्यूक्लियर पावर्स, और जो कि हमारे बहुत दोस्त है दूसरा, उसके साथ ये थोड़ी कि जो आपकी गड़बड़ है वो आप CPEC में डाल दें, नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, और ना डालना चाहिए, क्योंकि इस तरह CPEC का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। CPEC को तो वहाँ डालना चाहिए जहाँ प्रॉफिट आए, ताकि हम पैसे अदा कर सकें। ये तो हमें अपने रिसोर्सेज से कंप्लीट करना चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना चाहिए, जो कि इस पर मौजूदा गवर्नमेंट इस पर बड़ा फोकस किए हुए और वो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सर।